उत्तराखंड विधानसभा के बागेश्वर सीट के उपचुनाव में विजयी रही पार्वती दास को विधानसभा सदस्य के रूप में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुखुडी भूषण ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। हाल में संपन्न हुए सीट के उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को मैदान में उतारा था, जिसमें पार्वती दास ने 2405 मतों से जीत दर्ज की थी। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2405 मतों के अंतर से हराया था। वहीं आज उन्होंने विधिवत विधानसभा की सदस्यता ली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त किया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। वाले हमारा एक ऐसा संस्थान है जहाँ से पूरे राज्य को संचालित करने का काम होता है। हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण उस काम को लगते हैं और सचिवालय संघ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य को हर दिशा में श्रेष्ठ राज्य बनाना है, हर क्षेत्र में हमको विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना है, तो उसके लिए हमारे अधिकारियों का कर्मचारियों का निश्चित रूप से उसमें पूरी तरह से सम्मिलियन, पूरी तरह से सहयोग, पूरी तरह से उत्तरदायित्व, तो एक कार्य व्यवहार होना चाहिए और हमारे सचिवालय संघ के लोगों ने आज निश्चित रूप में उस दिशा में एक अच्छी पहल की है। अपने मनोयोग से वो सब लोग राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं। एक्चुअली उत्तराखंड सचिवालय से ही पूरे प्रदेश की जो है दिशा निर्देश जारी होते हैं, नीतिगत फैसले यहाँ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे सचिवालय कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि क्योंकि इसके लिए हमने एक संकल्प लिया है। कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं पहले से कि हम और ज़्यादा इसमें सहयोग करेंगे और जितना हो सकेगा उसके लिए हम पूरी तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार ही हम कार्यक्रम करेंगे।